नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी के कारण लगातार धुंध और कोहरा छाया रहता है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। खासतौर पर दिल्ली से आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पटना जंक्शन से मिली जानकारी के मुताबिक आज संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटा लेट है, तो वहीं आनंद विहार गरीब रथ 1.5 घंटा देरी से चल रही है। हावड़ा जम्मू हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटा लेट चल रही है। ट्रेनें देर होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्री परेशान हैं और उनका यह कहना है कि 5 से 6 घंटे ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। भूखे प्यासे प्लेटफॉर्म पर वो रुके रहते हैं। भारी सर्दी में उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है। बहुत लेट है ट्रेन। अभी इंक्वायरी ऑफिस में पूछा है, बोल रहे हैं 2:30 बजे का गाड़ी है ब्रह्मपुत्र। कितना परेशान हो रहा? बहुत परेशान है, ना खाया ना पिया। बहुत दूर दूर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं हम। ट्रेन लेट है ब्रह्मपुत्र में जी। कितना परेशान है? बहुत परेशान हो रहा है। जितना परेशान हो रहा है पूछो मत। अभी देखो इतना टाइम बैठे रहेगा, 5-6-7 घंटा बैठना पड़ेगा यहाँ। अभी फॉग के कारण बहुत सारी ट्रेनें हैं जो लेट चली है, जैसे कि संपूर्ण क्रांति जो आने वाली ट्रेन है वो 5 घंटा की रफ्तार से लेट चल रही है। और आपकी ये आनंद विहार जयनगर है गरीब रथ, वो भी गाड़ी लेट चल रही है। ये इधर आपकी जाने वाली आज हिमगिरी है, वो भी गाड़ियाँ भी 1 घंटे की देरी से चल रही है। बांका में पछुआ हवा और कोहरे से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों पछुआ हवा चलने के कारण ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते लोग समय से पहले ही अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बढ़ती ठंड को लेकर बांका जिले के सभी प्रखंडों के आसपास उनके इलाकों में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। वहीं बाहरी लोग जो रेलवे स्टेशन और बस से आते हैं, उनको भी ठंड की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अभी काम काज कैसे करते हैं? काम बहुत दिक्कत हो रहा है, काम तो करना होता है लेकिन अभी परेशान लोग हैं, मतलब कि ठंड से निकलना भी काफी हो जा रहा है। यानी अलाव के सारे काम चल रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, किसानी खेती हो चुका है? किसानी अभी बहुत, अभी बिहार में भी लगा हुआ है, अभी उतना भी अभी गाँव घर में आईबो नहीं किया है। ठंड है, कनकनी है, पछुआ हवा चल रहा है, अभी मकर संक्रांति का समय है, ठंड तो है ही। सरकार की ओर से लेकिन जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं। फारबिसगंज में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इस ठंड ने बेसहारा लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि उनके लिए नगर परिषद क्षेत्र में स्थायी आश्रय स्थल भी बनाया गया है, लेकिन इस आश्रय स्थल में ठंड से बचने के लिए आने वाले लोगों से आश्रय स्थल के गार्ड बदसलूकी करते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों में इसको लेकर भारी नाराजगी है। तो फारबिसगंज में आश्रय स्थल के गार्ड की बदसलूकी से लोग परेशान हैं। फारबिसगंज में नगर परिषद द्वारा जो आश्रय स्थल बनाया गया है बेसहारा लोगों के लिए, ये वही आश्रय स्थल का दृश्य है जहां 2400 घंटे जिनको आश्रय नहीं मिलता है कहीं, उनके रहने की व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था की बात करें तो जो लोग गेट पे आते हैं, गेट पर आने के साथ जो यहाँ के गार्ड हैं वो सबसे पहले तो उनसे गेट के बाहर ही खड़े करके स्टैंड में उनसे काफी बदसलूकी करते हैं। बदसलूकी करने के बाद ही उनको अंदर लिया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन समस्या सबों के साथ है। अभी नया आश्रय स्थल का निर्माण ही हुआ है, सरकारी आश्रय स्थल है, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार लोगों के साथ यहाँ पर हो रहा है वो उस व्यवहार से जो यहाँ पे निराश्रित लोग हैं वो काफी आहत है। क्या सब समस्या हो रही है यहाँ पे? सर, समस्या हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम आए यहाँ रहे, हमारे साथ बहुत अच्छा लगा व्यवहार। लेकिन गार्ड साहब का जो ये व्यवहार है, ये वो अपनापन दिखा के दिखाते हैं कि किनके साथ किस तरह का व्यवहार दिखाया जाए, वो किस तरह का लोग आया उनसे उनको कोई मतलब नहीं। व्यवहार आपका क्यों गलत है लोगों के साथ? लोग, हम लोग भी अभी जब यहाँ पहुंचे तो आप गेट खोलने से पहले काफी देर तक पूछताछ कर रहे इस कड़ाके की ठंड में लोगों को बाहर खड़े। नहीं नहीं सर, सर देखिए ऐसा बात नहीं, जिससे कि आपका गेट आ रहा, जिस टाइम आइए हम आप गेट के बाहर लोगों को खड़ा कीजिएगा। देखिए सर, तो जो यहाँ पर जो गार्ड है, सरकार ने अच्छी सुविधा यहाँ पर लोगों को दी है। जो निराश्रित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही यहाँ आके शरण लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पर
गार्ड है, केयर टेकर तो यहाँ फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन जो गार्ड है उनका व्यवहार बहुत बदतर है, जिससे लोग भी यहाँ पर रहने वाले काफी आहत हैं। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉर बिजनेस। बात करेंगे भागलपुर की। यहाँ भी ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। इसे लेकर कल्याण विभाग बिहार सरकार की तरफ से संचालित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। ठंड में कंबल, चादर, टोपी, हीटर उपलब्ध कराया गया है ताकि बुजुर्गों को ठंड से राहत मिल सके। वृद्धाश्रम से जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी ने। भागलपुर में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। लोग ज्यादातर घरों में रह रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं वो अलाव के सहारे हैं या गर्म कपड़े पहन रहे हैं। भीषण सर्दी में किस तरह से वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं, किस तरह से उनकी रात गुजर रही है, दिन बीत रहे हैं, यह जानने के लिए हम सहारा वृद्धाश्रम पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। कंबल की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हीटर की भी के भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो गर्म लगे इनको और ठंड से भी जो है राहत मिल सके। और कुछ इधर है, इनसे भी बात करेंगे हम कि कैसे ठंड बीत रही है। यहाँ पर टीवी भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मन लगता है यहाँ पर। मन लगता है, हाँ मन लगता है, सबसे तो सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चीज का सुविधा है? सब का खाने पीने का सबका समय मिल जाता है। ठंड में कंबल, हीटर, क्या कुछ? हाँ ये है, जैसे चल रहा है। कंबल, टोपी है, जूता, मोजा सभी है, सब कुछ का व्यवस्था। हाँ अच्छा, घर की याद नहीं आती है? घर की याद आती है, कभी कभी चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, दो चार दिन, एक दिन, दो दिन रहना यही होता है। रहना तो यही रहता है, मैं तो शुरू से यही रहते करते पुराने यहाँ के। अच्छा, दिन कैसे बीतता है आप? दिन ठीक है बीतता है। ठंड बेटा, ठंड तो देखो बहुत है, मगर हम 3 कम्बल उड़ रखे और तीनों कम्बल यहीं से मिले। और क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया, खाना खाओ, आराम से रहो, अब फिर जाके खिलाने वाला जिंदाबाद। खुश है यहाँ पर जो वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं, वो काफी खुश हैं और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं, कभी मन नहीं लगता है तो भजन कर लेते हैं। यहाँ पर वृद्धाश्रम की ओर से जो है इनके कंबल के इंतजाम किए गए हैं, हीटर के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी इन्हें ठंड में ना हो। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। खबर दरभंगा से है।